dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you your 15th chapter, that's name is geometry. Okay, आज हम लोग हमारा 15th chapter start करने वाले हैं जिसका name है geometry. Geometry के अंदर हम लोग कुछ simple चीजों के बारे में अभी सीखेंगे, like point, line. ठीक है, लाइन कितने टाइप्स की होती है, फिगर्स कैसे होते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे. ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर सबसे फर्स्ट थिंग है आपके पास में पॉइंट. ठीक है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज डिनोटेड लाइक अ डॉट विच रिप्रेजेंट अ पोजिशन ऑफ अ थिंग. ठीक है, ऑफ अ थिंग, ऑफ अ पर्सन, वट एवर वी से. ओके, लाइक it represent by the dot which shows a position. Okay, point क्या होता है? Point होता है एक dot जो किसी भी thing की, कोई person की हमें एक पोजीशन शो कर रहा है. इट मीन्स कोई पॉइंट हमारे पास में, कोई थिंग है. लाइक मैंने ये जो मेरे पास डस्टर है मैंने यहाँ पे रख रखा है, मैं इसको पॉइंटेड कर रही हूँ कि मैंने ये जो डस्टर है वो यहाँ पे रखा है. इट मीन्स मैंने इस पोजीशन को क्या कर दिया, पॉइंटेड कर दिया. तो इसी को पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन अपनी क्लासेस में है नहीं. सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं लाइन. लाइन क्या होती है? लाइन हम लोग टू टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक एक तो ये वाली लाइन है, हमें सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, हमें इससे मतलब ये लाइन स्ट्रेट है या कर्व्ड है. ठीक है, एक हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी है तो ये टू टाइप की लाइन हो गई. ये स्ट्रेट लाइन हो गई नीचे वाली, और ऊपर वाली लाइन हमारे पास में कर्व लाइन है. ठीक है, तो हम लोग अगर टाइप्स ऑफ लाइन देखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लाइन, देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइन. फर्स्ट इज कर्व लाइन. That is like this. ठीक है, कर्व जो लाइन होती है वो इस तरीके की होती है. सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट जो लाइन होती है वो इस तरीके से होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है सीधी रेखा. इस वाली लाइन को जो हम लोग बोलते हैं वो होती है कर्व स्ट्रेट. इट मीन्स टेढ़ी मेढ़ी. ठीक है, इसको हम लोग वेज के थ्रू भी इसको शो कर सकते हैं. ठीक है, कि हमारे पास में कोई वे है इस तरीके से. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में. कर्व लाइन तो हमारे पास में इस टाइप की हो सकती है, इस तरीके से भी हमारे पास में कर्व लाइन हो सकती है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितने टाइप की होती है? स्ट्रेट लाइन है, एक तो हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं कॉलम वाइज. ठीक है, और दूसरी चीज है कि हम लोग जो हमारे स्लांट लाइन्स होती हैं उनको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्ट्रेट जो लाइन होती है वो थ्री टाइप की होती है. मैं तीनों ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ आपको. सेकेंड ए, इट मीन्स सेकेंड ए का मतलब है स्ट्रेट लाइन्स के अंदर हम हमारे पार्ट्स राइट डाउन कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारी फर्स्ट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन्स. हॉरिजॉन्टल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस किस तरीके से होती हैं? इस तरीके से. आप ये जो लाइन है उसको लेफ्ट एंड राइट साइड में आगे तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, आगे तक इसको राइट डाउन कर सकते हो. सेकेंड थिंग, अगर हम लोग सेकेंड वाले का बी ऑप्शन देखते हैं तो ये आती है हमारे पास में वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस, ठीक है. वर्टिकल लाइंस क्या होती है? जिन लाइन्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से राइट डाउन करते हैं. ठीक है, ये वाली लाइंस हो गई हमारी वर्टिकल लाइंस, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइंस. थर्ड टाइप की लाइंस आती है हमारे पास में स्लांट लाइंस. सी ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे स्लांट लाइंस. और स्लांट लाइंस होती है इस तरीके से. ये लाइंस जो है वो है स्लांट लाइंस. यहाँ पे आपके पास में वन लाइन भी हो सकती है, टू लाइंस भी हो सकती है. तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी होती है. ठीक है, तो इस तरीके से इनको ड्रॉ करेंगे थोड़ा तिरछा करते हुए, जिस तरीके से आप लोग
गार्डन्स में भी होती हैं आपके पास में, ठीक है। स्लाइड्स जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं जिनमें हम लोग क्या राइट करते हैं, स्लांट लाइन राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के थ्री पार्ट्स हो गए, फर्स्ट हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन्स, थर्ड सेकेंड है हमारे पास में वर्टिकल लाइन्स, एंड थर्ड है हमारे पास में स्लांट लाइन्स, ठीक है। अब ये लाइन और पॉइंट देखने के बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ प्लेन फिगर्स की। प्लेन फिगर्स लाइक आपके पास में रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, सर्कल हो सकता है। तो अब हम लोग उनकी बात करते हैं, ओके, ठीक है। फिगर्स को राइट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी जो लाइन है उसको हम लोग किस तरीके से रीड डाउन करेंगे, ठीक है। लाइन हमारे पास में लाइक इस तरीके से है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है वो कितने सेंटीमीटर की है, कितनी लंबी है, कितनी लेंथ है इसकी। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्केल को। स्केल हमारे पास में किस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हमारे पास स्केल हो सकता है लाइक, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो जीरो वाला पॉइंट होता है। इसके बाद में हम लोग जैसे जैसे आगे चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकता है इस तरीके से हमारे पास में आगे तक ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली आप लोग जो यूज करते हो वो इस तरीके का स्केल होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास में जीरो, और जीरो से लेके जहां तक हमारी लाइन जा रही है वो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। इट मीन्स इतनी मेजरमेंट की वो हमारे पास में लाइन है, इतनी लेंथ है उस लाइन की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्केल को यूज करते हुए हमारी जो लाइन है उनकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फिगर्स की। तो फिगर्स के लिए मैं राइट कर रही हूं प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास में टू थिंग्स आती है। फर्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, हमारे पास में जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स मतलब जहां पर हमारी टू लाइंस मीट करती हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स, ठीक है। ईच कॉर्नर ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, ठीक है। किसी भी एक प्लेन फिगर का जो कॉर्नर है उसको हम लोग बोलेंगे उसका वर्टेक्स। और अगर हमारे पास में एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे वर्टेक्सेस हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है वर्टेक्सेस, ठीक है। ये है सिंगुलर, इट मीन्स यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्लूरल की, ठीक है। यानी कि बहुत सारे वर्टेक्सेस हैं, एक से ज्यादा वर्टेक्स है हमारे पास में। सेकंड थिंग आती है हमारे पास में साइड, ठीक है। साइड क्या होती है, साइड का मतलब है कि जिससे हम लोग फिगर बना रहे हैं, इट मीन्स जैसे हम लोग शो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन्स को फोर साइड्स में, ठीक है। सो The straight lines that forming a figure is called its side, ठीक है। जो एक फिगर को फॉर्म करती है उसको बोला जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि वर्टेक्सेस और साइड होंगे उसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि फिगर्स कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास में। फिगर्स तो काफी बनते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक फिगर्स की बात करेंगे। बेसिक फिगर्स में हमारे पास में सबसे पहले है रेक्टेंगल। क्या है फर्स्ट में हमारे पास में, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स एंड अपोजिट साइड्स आर
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, इसके फोर कॉर्नर्स होते हैं और फोर साइड्स होती हैं। इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स का मतलब है हमारे पास में ये वाली साइड्स, इसकी अपोजिट साइड ये वाली है और इसकी अपोजिट साइड ये वाली है। ये जो पॉइंट्स है हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो फोर कॉर्नर्स है ये इसके क्या है, वर्टेक्सेस, और ये जो है हमारे पास में ये है इसकी साइड्स। ये वाली भी इसकी साइड है, तो साइड को मैं सिर्फ ऐसे शो कर रही हूं, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास में वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स है इसका, ये भी वर्टेक्स है और ये वाला भी वर्टेक्स है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में एक जो रेक्टेंगल होता है उसकी फोर साइड्स होती हैं, फोर वर्टेक्सेस होते हैं और अपोजिट साइड्स इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकंड है हमारे पास में स्क्वायर, स्क्वायर की भी सेम डेफिनेशन होगी हमारे पास में, इट हैज फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स, फोर कॉर्नर्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। बस स्क्वायर के अंदर हमारे पास में एक चेंज आता है कि इसकी जो फोर साइड्स होती है, जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, लाइक दिस, ठीक है। ये इसके फोर कॉर्नर्स हो गए, वन टू थ्री फोर। इन कॉर्नर्स को हम लोग कुछ नेम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी, या आप लोग कुछ और नेम दे दीजिए। यहाँ पे मैं दे रही हूँ पी क्यू आर एस, इस तरीके से आप लोग नेम दे सकते हो उसको, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट का नेम दे सकते हो। तो ये आपने यहाँ पे नेम दे रखा है, स्क्वायर जो होता है उसकी जो फोर साइड्स होती है वो इक्वल होती है, फोर कॉर्नर्स होते हैं इसके पास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड फिगर की। थर्ड फिगर है हमारे पास में ट्राइंगल। क्या होता है थर्ड फिगर? ट्राइंगल, ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में इट हैज थ्री कॉर्नर्स, इसके अंदर ओनली थ्री कॉर्नर्स होते हैं एंड थ्री साइड्स, थ्री साइड्स, थ्री कॉर्नर्स एंड थ्री साइड्स होती हैं, लाइक दिस। ठीक है, ए बी सी, इनको आप लोग कुछ भी नेम दे सकते हो। ये इसके वर्टेक्सेस हैं और ये इसकी साइड्स हैं। साइड को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वर्टेक्सेस को वी से शो कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका कंप्लीट नेम राइट कर सकते हो, वर्टेक्स, और ये है हमारे पास में साइड। ओके, बात करते हैं हम फोर्थ फिगर की। फोर्थ आता है हमारे पास में सर्कल, ठीक है। ये फोर फिगर्स हैं जो बेसिक फिगर्स हैं हमारे पास में। तो ये लास्ट वाला फिगर है हमारे पास में सर्कल। सर्कल क्या होता है? इट हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर, नो कॉर्नर। Put a coin and draw a circle. ठीक है, आप एक कॉइन रख के भी सर्कल बना सकते हो। सर्कल इस तरीके से बनता है, इसका कोई कॉर्नर नहीं होता है और ना ही इसकी कोई साइड होती है, ठीक है। बिल्कुल आपके पास में ये एक सर्कल बनेगा, एकदम गोल सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये फोर हमारे पास में बेसिक फिगर्स हो गए जो हमारी ज्योमेट्री में हेल्पफुल होते हैं। आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज रिगार्डिंग दीज फिगर्स एंड डेफिनेशन, देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।